खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है।
खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है, जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू
कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म
वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। है फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त माधुरी दीक्षित जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ 7 वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। खलनायक
एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां
बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान, दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान, दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है।
अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टर्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टर्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका
अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त माधुरी दीक्षित जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी
पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और
1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खल नायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला और उनको और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला और उनको और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल
करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम
केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुहास गई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे
आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला और उनको और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला और उनको और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय
उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक और इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिसे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और
इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा, साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है,
जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई है। फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है।
यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है, क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गंगा एक स्ट्रीट गर्ल के रूप में गुप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध के व्यवसाय में बदल गया है और भागते समय उसका पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। खलनायक मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खलनायक एक 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है। फिल्म का कथानक भागने पर केंद्रित और इंस्पेक्टर राम और उसकी पुलिस प्रेमिका गंगा द्वारा अपराधी बल्लू सिंह को पकड़ने पर आधारित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। है फिल्म पाई राम केलकर कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुभाष घई है। इस फिल्म में अभिनय किया है संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन अशोक मेहता ने किया है। यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 अगस्त 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 191 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 42 करोड़ के समायोजित बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। खलनायक अपने संगीत के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चोली के पीछे क्या है गीत जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया है। खल गायक साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी हैं, जिसमें एक बाजीगर के साथ साथ वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बमों से एक बन गई है। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसे केवल आंखें ने पीछे छोड़ दिया। इसकी पटकथा साउंडट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और
सुश्री शाह अभिनेता सहित 11 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इला अरुण को और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी सरोज खान दोनों चोली के पीछे क्या है गाने के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बलराम बल्लू प्रसाद एक गैंगस्टर इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जो बल्लू के प्रति दया दिखाते हुए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे बल्लू के संरक्षक रोशिदा को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि बल्लू कुछ नहीं बोलता और बाद में जेल से भागने का वादा करता है। अपनी अधिकारी प्रेमिका गंगा से मिलने के दौरान राम को पता चलता है कि बल्लू जेल से भाग गया है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल है क्योंकि मीडिया उसे एक कर्तव्य उपेक्षित अधिकारी के रूप में चित्रित करता है। राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में